कांग्रेस विधायक कैश कांड और पार्टी से निलंबन के बाद सियासत जारी है। विधायक इरफान अंसारी के पिता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निलंबन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कुछ था तो पहले विधायकों को शोकॉज जारी होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक कोलकाता आदिवासी दिवस के लिए साड़ी लेने पहुंचे थे। उन्होंने अनूप सिंह के किए एफआईआर की कॉपी दिखाकर सवाल भी उठाए। पार्टी की तरफ से जो पार्टी बन गया इसके लिए मुझे काफी दुख है। पार्टी में लड़ाई होती है किसी बात को लेकर के, खिजाताने होती है, मतभेद होती है। इसका मतलब नहीं कि इतनी दुश्मनी जो है आप पार्टी के अपने विधायकों के साथ दुश्मनी आप करें, यह अच्छी बात नहीं है। यह हेल्दी परंपरा नहीं रही है, कभी नहीं। हम लोग के समय में भी झगड़ा काफी होती थी विधायकों में, लेकिन हम लोग बैठ के भी तय कर लेते थे कि भाई क्या मन मोटा है बताओ, उसको क्लियर करते थे। लेकिन ये पहली दफा इस तरह की घटना घटी है कि हमारे विधायक के खिलाफ में विधायक ने एफआईआर किया है, और किसके इशारे पे किया है ये हम जानना चाह रहे हैं। और इतनी जल्दीबाजी क्या थी, जल्दीबाजी इतनी क्या थी, धड़फड़ी क्या थी? और उसका एक प्रमाण धड़फड़ी का हम देना चाहते हैं इन लोगों का। आप लोग इसको देख लीजिए, ये एफआईआर की कॉपी है, यहां से जो गया है एफआईआर की कॉपी है। ये लिखा गया है 9/31/7/2020, जबकि 2022 चल रहा है। ये डेट देख लीजिए, 31/7/2020 में एफआईआर की गई है जो लिखा गया। और अधिकारी जो ऑफिसर है, ऑफिसर इंचार्ज है, केस को दर्ज किया है, जो सलाह किया है, उसने क्या है 31/1/2022, जबकि सातवां महीना है। ये जल्दीबाजी क्या है, इसे साफ दर्शाता है कि एक षड्यंत्र रचा गया है और ये लोगों को फंसा।